पढ़े जा सकते हैं सुपरफिशियली अगर आप किसी भी चीज को पढ़ोगे तो आप इसको इंटरेस्टिंग या सो कॉल्ड एक्साइटिंग ये सब फेसबुक पे हो सकता है ट्विटर पे हो सकता है जब आप किसी तो सब्जेक्ट और जब तक तुम वो नहीं करोगे तब तक तुम इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते सो सर्विस एग्जामिनेशन वर्ल्ड and you think that you can manage this exam without going into intricate details of a topic, i don't think you are making a wise choice. so make sure that you are ready for boring detailed quality with me, dr. and or ec sequence man, public accounts committee. so I topics, q and discuss why am i choosing? these are not random topics. i am also helping you connect with current affairs. Koi bhi cheez

मेरा नाम है डॉक्टर सिद्धार्थरा अन अकेडमी की दुनिया में मेरा कोड कोड सेट लाइव एस आई आई डी एल वी ई मेरे के नाम से मुझे जाना जाता है जब भी तुम अन अकेडमी पे कोई भी प्लस क्लास लो कोई भी आइकॉनिक क्लास लो कोई भी कॉम्बैट कोर्स ज्वाइन करो प्लीज यूज द कोड सेट लाइव एस आई डी एल आई वी ई ये मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं यू द पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट टीम ऑन अन अकेडमी दैट इज टीम सेट लाइव ऑल्सो You will get advantages of huge offers, huge discounts, which are available on Unacademy. I'm a practicing advocate in the Supreme Court of India. Mm -hmm. And for the last decade and a half, I've been teaching and training aspirants such as you for the UPSC Civil Service Examination. So, those of you who want to join us, please also ensure ki aap Telegram channel pe Telegram This is my Telegram channel. You must take a screenshot of this. और इस इसी को ज्वाइन कर लो टू रिसीव अपडेटेड नॉलेज ऑफ पॉलिटी गवर्नेंस एंड फॉर सिविल एग्जामिनेशन फ्रॉम मी गॉर सिद्धार्थ अरोरा तो कोई भी पार्लियामेंट में नया कुछ इशू होता है गवर्नमेंट में कुछ नया इशू इंटरनेशनल रिलेशन में सुप्रीम कोर्ट में न्यू लॉ न्यू कॉन्ट्रोवर्सी तो रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट ओनली दैट देन आई एल बी एल बी शेयरिंग इट विद यू ऑन माई टेलीग्राम चैनल और तुम में से जो लोग टेक्स एवी है राइट जो टेक्स एवी है मेक श्योर दैट आप इस कोड को अपने मोबाइल कैमरा से स्कैन कर लीजिए और फिर भी तुम वहीं पहुंचोगे जहां पर उस लिंक से पहुंच रहे थे तो ये भी एक तरीका हुआ तो अपने मोबाइल कैमरा लो इसको स्कैन कर लो और मुबारक हो और राइट सो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे और अगर तुम लोग उसके बाद कभी ये देख रहे हो वीडियो तो बिलेटेड बट अः वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे तो हम इंडियन के लिए This is a very, very proud moment, it's a very, very big moment for us, all of us. Or an academy makes it even more special because an academy a single point agenda hai to give the future of this country a realistic chance of becoming a part of the system. Or becoming a part of the system ke lehi, world ke toughest exam that is UPSC Civil Service Examination. Ko crack karna And since it is a tough exam, alright, financial reality is a very, 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 very important reality. Or तुम अगर फिजिकल या ऑफलाइन क्लासेस जैसे बोला जाता था अगर उससे उस टाइम उस पर आप पढ़ रहे होते या से जब अन अकेडमी आपके लिए नहीं आया था तब देखते ना दैट वॉज प्रैक्टिकली अनफोर्डेबल ह्यूज प्राइसेस एंड उसके साथ लिविंग एक्सपेंस ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा एवरी हैज बीन नाउ कॉम्पनसेटेड एंड रिमूव बाई अन अकेडमी फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ योर होम सिर्फ एक ऑनलाइन मोबाइल और लैपटॉप पर You can get the best of the best educators from all over India under one platform. Prelims like a main stack, main selector options, tag, options like an interview, tag, unacademy Academy to Sadega, or East Republic Day, an awesome offer for you. That is a six months free extension worth rupees 45,000 with every one year and above plus GS and combo subscription. Your offer is available hai from January 25th to January 27th. To my code use SIDLIVE. Live, मेरा कोड यूज करो अन अकेडमी ऐप पर जाओ जहां पर रेफरल कोड है वहां पर डालो सिड लाइव और तुम्हें ये ऑफर अवेलेबल हो जाएगा डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ मिसिंग आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी बहुत सारे न्यू कोर्सेस आ रहे हैं डोंट लेट इट गो यूपीएससी कॉम्बैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशल आ रहा है ऑन थर्टी ऑफ जनवरी एट इलेवन एम डोंट मिस दिस यूज द एंड यू स्टैंड टू कोस ऑफ विनिंग सो मेनी गुड प्राइजेस अपार्ट फ्रॉम द एग्जाम प्रिपेरेशन दिन कॉम्बैट विल ऑफ अल्सो फ्री मेगा टेस्ट सीरीज और एक यूपीएसएस चैनल बायलिंग हिंदी लॉन्च हो रहा है जिसपे मेरा पी एस आई आर का कोर्स भी आएगा पी एस आई आर ऑप्शन जो लोग चूज कर रहे हैं प्लीज बी अ पार्ट ऑफ एट मैंने पिछले साल पी एस आई आर को ईजी कैसे किया जाता है इंटरेस्टिंग कैसे किया जाता है रिवॉर्डिंग कैसे किया जाता है यह डेमोन्स्ट्रेट किया है

न्यूज़पेपर में एक थोड़ा सा पुराना बट फिर भी थोड़ा सा नया ओके दिसंबर फोर ट्वेंटी ट्वेंटी वन की एक हेडलाइन आई मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ये है सेंटेनियल ईयर सेलिब्रेशन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रेस रोल ऑफ पीएसी इन इंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी he said the main responsibility of democratic institutions to make government accountable and transparent to the people so ye bahut hi solid news thi lekin logon ne isko miss kiya kyun क्योंकि ज्यादातर जो न्यूज देखी जाती है मैंने आमतौर पर एस्पिरेंट्स को देखा वो वो देखा थे जो कि मसाला हो exciting हो no question वहां से पूछा जाएगा जो तुम्हारे स्टैटिक पार्ट जो तुम्हारे एक्चुअल थियोरिटिकल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो ये न्यूज स्ट्राइक करेगी उसको जिसको ये सब्जेक्ट ढंग से मालूम है और सिंस आई एम योर गाइड मेंटोर इन दिस एंटायर थिंग मुझे ये टॉपिक दिख गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फिर इसको स्ट्राइक किया कि ये सेंटेनियल सेलिब्रेशन है सेंटेनियल एज इन

सर बहुत पुरानी बात है कैसे याद आएगा बेटा इसलिए मैं तुमको हिस्टोरिकल इतना डिटेल में पढ़ाता हूं जब मॉन्फोर्ड रिफॉर्म्स आए थे तो उन्होंने एडवाइस किया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाना और उसका काम था गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना आई होप तुम लोगों को लाइन समझ में आ रही है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन पास किया गया था इसका फर्स्ट टाइम जो एनफोर्समेंट हुआ वो नाइनटीन में हुआ दो साल के बाद और अगर 1921 में बहुत ही कठिन मैथ्स के अनुसार अगर मैं तुम्हें 100 ऐड करके दिखाऊं तो ये हो जाएगा 2021 ओहो oh, मैथ्स में मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ वेरी गुड सो 2021 बिकम्स दैट ईयर व्हिच इज द सेंटेनियल ईयर सेलिब्रेशन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी सो वी आर गोइंग डू स्टडी टू थिंग्स वन द न्यूज जिस न्यूज में मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स दिख जाएंगे जो कि मुझे एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी थ्योरी में समझ में आता है और दूसरा मैं थ्योरी को डिटेल में करूंगा जिससे मुझे ये न्यूज लगने लग जाएगी सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पार्ट तो पहले न्यूज पढ़ते आराम से कोई टेंशन नहीं है रिलैक्स टेक योर टाइम इंजॉय एंड अंडरस्टैंड और इस बात से यकीन करके करना कि कोई टेंशन नहीं है जहां सब्जेक्ट में फंस जाओगे वहां मैं तुमको निकाल लूंगा बट जस्ट इंजॉय एंड अब्जो द सब्जेक्ट प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद टूडे सेट पार्लियमेंट्री कमिटी द पब्लिक अकाउंट कमिटी एनश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टूवर्सलेचर एंड विदाउट दम पार्लियमेंट्री डेमोक्रेसी वुड बी इनकम्प्लीट ठीक है सर आगे पढ़ो मैं नहीं पढ़ रहा यह क्या बात है मैं तो नहीं पढ़ रहा मतलब हथ हो गई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमको ये न्यूज का पार्ट है ओके okay? तो हमको इसको स्टैटिक पोर्शन से कंबाइन करना है और जब हम स्टैटिक पोर्शन से कंबाइन कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड दैट रूल इज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर तो अभी आपने ऑनरेबल प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट सुनी दार्लियमेंट्री कमिटीज एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड उंटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फंक्शन कर सकती है सो लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट टू यू और अगर तुम्हें यह समझ में आ गया तो तुम्हारा काम हो जाएगा सी वॉट इज इंपॉर्टेंट हेयर इज कि हम लोग पार्लियामेंट्री कमिटीज को इतना तवज्जो क्यों देते वाई इज इट सो इंपॉर्टेंट कि पार्लियामेंट्री कमिटीज मस्ट बी फंक्शनिंग वेरी नाइसली पार्लियामेंट की प्रॉब्लम है और वही उसकी एडवांटेज भी है पार्लियामेंट इज अप ऑफ मेंबर्स मेंबर्स ऑफ 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 आर मेड अप हु रिप्रेजेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। समझने की कोशिश करो ए बी सी डी ई एफ जी ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होगी जिनमें से एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी होगी जिसको मेजोरिटी होगी वो गवर्नमेंट बनाएगा उसको रूलिंग पार्टी बोला जाएगा उसका लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर होंगे जिनके साथ एक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा मान के चलो ये रेड पार्टी है और बाकी पार्टीज के अलग अलग कलर्स है जिनको हम नाम दे देते हैं सपोज इनको बोल देते हैं ऑपोजिशन पार्टी ऑपोजिशन पार्टी ऑपोजिशन पार्टी अब देर इज एन इशू है मैं चाहूंगा भी तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता जो ए पार्टी के मेंबर्स है जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ब्लू पार्टी है या ऑपोजिशन पार्टीज है और जो मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन और मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी है उनको पार्टी सान फंक्शनिंग करनी पड़ती है मैंने क्या वर्ड यूज किया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैंने क्या बोला पार्टी सान फंक्शनिंग करनी पड़ती है मतलब आई हैव टू टू द सेम लाइन एज माई पार्टी टेल्स मी तो मैं ए पार्टी का हूं तो मैं ए पार्टी के साथ में ही चलूंगा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है ओके okay, अगर मैंने बी पार्टी के फेवर में बोल दिया तो तुम्हें है, law, schedule, या फिर कोई अगर इतना ना भी जाए, बड़ी खुशी है क्या कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी बी का हूं लेकिन मुझे लगता है वाह ए पार्टी ने क्या कमाल का फैसला किया बहुत ही खुश है बहुत ही बढ़िया बड़, लेकिन मैं चाह के भी उनकी तारीफ नहीं कर सकता क्यों क्योंकि मुझे पार्टीशान फंक्शनिंग करनी पड़ती है बात समझ में आई या नहीं आई तो पार्लियामेंट्री कमेटी से कैसे चेंज हो जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी ओपन हाउस डिस्कशन नहीं करती इट इज नॉट नेसेसरली वो ओपन में डिस्कशन करे इन अदर वर्ड वैसे हो भी ओपन में तो भी चलेगा वास्त कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हो जाता है मान के चलो मैंने ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई और इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने बनाया ए के कुछ मेंबर्स आ गए चलो जी ए के कुछ मेंबर्स आ गए ओके बी के कुछ मेंबर्स आ गए चलो जी बी के कुछ मेंबर्स आ गए गए भैया गए इनके भी गए डी के भी कुछ मेंबर्स आ आगे आगे अब ये जो भी डिस्कशन करेंगे जो भी डिबेट करेंगे दे विल बी नॉन पार्टी इन नेचर कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई तू ए पार्टी का है तूने बी के फेवर में क्यों बोला तू सी पार्टी का है तूने ए के पार्टी के फेवर में क्यों बोला ये ये नॉन नॉन फंक्शनिंग है है तुम तुम समझ सकते हो अगर फंक्शन तो प्रैक्टिकली फ्रीली बिंदास एब्सोल्युटली खुशी खुशी अपना व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हो तो सही मायनों में जो पार्लियामेंट फंक्शन करता है वो एक्चुअली जो पार्लियामेंट की ट्रू ब्लू स्पिरिट में फंक्शनिंग होती है वो पार्लियामेंट्री कमेटी से होती है आई होप तुमको पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा सो पार्लियामेंट्री कमेटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑन द स्पॉट अब दूसरी बात पार्लियामेंट्री कमेटी का काम होता है एग्जीक्यूटिव को चेक में रखना एग्जीक्यूटिव को चेक में रखना का काम करता है लेजिस्लेचर तो इसको ना ऐसे हिंदी में बड़े प्यार से बोलते हैं इसको बोलते हैं कि लेजिस्लेचर का काम होता है एग्जीक्यूटिव को अंकुश में रखना जो जो लेजिस्लेचर होता है जो लेजिस्लेचर होता है उसकी तरफ एग्जीक्यूटिव जवाबदार होता है अब एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल लो यार जैसे प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सारे के सारे ओके विल बी कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव अगर सेम स्टेट्स में चले जाएंगे तो चीफ मिनिस्टर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सब एग्जीक्यूटिव है राइट right. ये जवाबदार होते हैं टू द लेजिस्लेचर अब बोलोगे सर इसका पार्लियामेंट्री कमिटी से क्या लेना देना पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में सिर्फ वो ही हो सकता है जो मिनिस्टर यानी कि एग्जीक्यूटिव ना हो इन वर्ड्स इट इज ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली मेडअप ऑफ लेजिस्लेटर्स इन वर्ड्स मुझे प्रेसिडेंट साहब की बात 100% परसेंट क्लियर हुई क्या हुई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टुडे सेड

So we'll continue. Inaugurating the two day centennial celebration of the PAC, he said it is through the PAC that citizens keep a check on government finances. Ooh. In a democracy, he said, Parliament is the embodiment of people's will and parliamentary committees work as its extension. What a beautiful line. कि कैसे यू नो द वाइज पीपल द इंटेलिजेंट पीपल द हेड ऑफ द स्टेट्स हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये ऊंची पोजीशन पर ऑनरेबल प्रेजिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स ये कैसे पहुंच जाते हैं बिकॉज दे नो हाउ टू टेल यू ऑल दिस सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दिस इन एस्पेक्ट ऑफ कैग कैग के कॉन्सेप्ट में इसको समझने की कोशिश करते हैं एंड नाउ लेटे अंडरस्टैंड दिस एंटा थिंग So, जो मनी है राइट ना right? इस बात को समझने की कोशिश करो मनी जो होता है ऑफ एनी कंट्री राइट और इन डेमोक्रेसी, इट बिलोंग्स टू पीपल ऑफ इंडिया पीपल ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव आर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव आर लेजिस्लेटर्स तो जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव आर द लेजिस्लेटर्स लेजिस्लेटर्स वो होते हैं जो कि पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, पार्लियामेंट में लेकिन दोनों होते हैं एग्जीक्यूटिव भी होते हैं और लेजिसलेटर्स भी होते हैं पार्लियामेंट्री कमिटी और जो लेजिस्लेटर्स होते हैं उनका काम होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर नजर रखना मेक देम अकाउंटेबल और अगर एग्जीक्यूटिव वो है जो गवर्नमेंट है जो कि इस मनी को यूटिलाइज करता है इस मनी को स्पेंड करता है इस मनी को यूटिलाइज करता है, इन वेलफेयर स्कीम्स इन इन्वेस्टमेंट तो इन अ वे मैथ्स हो गया ये तो बिल्कुल कनेक्टेड मैथ्स हो गया इन इस मनी के यूटिलाइजेशन के ऊपर जो कि एग्जीक्यूटिव स्पेंड कर रहा है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सरकार जो कर रही है उसके ऊपर नजर रखती हैं लेजिस्लेटिव ट्री कमिटीज़ सिर्फ लेजिस्टर्स से और ये लेजि वो है जो कि पीपल के रिप्रेजेंटेटिव है, तो है वो एक तरह से पीपल के रिप्रेजेंटेटिव है टू ऑन बिहाफ पीपल टू कीप एन आई ऑन द फाइन ऑफ द कंट्री वा कनेक्शन हो तो ऐसा हो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग He said it is through the PAC that citizens keep a check on government finances. In a democracy, he said, Parliament is the embodiment of the people's will and parliamentary committees work as its extension. Two paragraphs, I have to Two paragraphs. And de this is how you understand.

उ यू अंडरस्टैंड लेकिन समझाने वाला होना चाहिए पढ़ाने वाला होना चाहिए सो एग्जीक्यूटिव जो है इसी लाइन को कंटिन्यू करते हैं देखो तुमने ऐसे कभी पॉलिटी पड़ी नहीं होगी टाइम पास किया जा सकता है लेकिन समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जीक्यूटिव यानी कि जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअली मनी को यूटिलाइज करता है जो मनी को यूटिलाइज करता है राइट right? जो मनी को यूटिलाईज करता है वो होती है गवर्नमेंट लेकिन मनी किसके पास है एक्चुअली किसकी कस्टडी में है एक्चुअली लेजिसलेचर की कस्टडी में सो इफ आई अंडरस्टैंड द नो अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी मेड विदाउट ड्यू अप्रोप्रिएशन बाय द लोकसभा नो अप्रोप्रिएशन इन अदर वर्ड्स पार्लियामेंट जो है उसके पास है कस्टडी ओवर द मनी अब ध्यान से सुनो तो हर साल हर साल Article 112 Kyanusar The President, the President shall cause the laying down, shall cause the laying down of the annual financial statement in both the houses of the Parliament. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही होता है मेरा बच्चे जिसको हर साल हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट यानी कि द एग्जीक्यूटिव हर साल थ्रू द प्रेजिडेंट थ्रू द प्रेजिडेंट विल कॉस द लेंग डाउन ऑफ क्रेडिट डेबिट बैलेंस क्या हमारा पैसा लगा कितना गया पूरी स्टेटमेंट हमारी पॉलिसीज़ क्या रही हमको कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा अपार्ट फ्रॉम दैट अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट पार्लियामेंट से ग्रांट करने की रिक्वेस्ट करेगी मोर मनी फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कि जी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हमें पैसे दे दो हमें पॉलिसी ये है हमें इस पॉलिसी के लिए इतना पैसा चाहिए इस पॉलिसी के लिए इतना पैसा चाहिए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा लोकसभा पहले तुम्हारी बात सुनेगी यहां पर प्लीज सरकार और अपोजिशन मत समझो यहां पर लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव समझो लेजिस्लेटर्स यानी कि लोकसभा तुमको अप्रोप्रिएशन फंड से अप्रोप्रिएशन एक्ट से ये पैसे ग्रांट करेगी किसने ग्रांट किया? ने। किसको ग्रांट किया किया ने किसको एग्जीक्यूटिव को क्यों ग्रांट किया ताकि पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन हो सके पैसा लिया तुमने एक्स पॉलिसी का पैसा लिया तुमने एक्स पॉलिसी का और पैसे यूटिलाइज नहीं किए डिंग टू एक्स पॉलिसी या फिर पैसे ज्यादा यूटिलाइज किए इन वॉज मिसमैनेजमेंट कौन नजर रखेगा गवर्नमेंट पे कौन नजर रखेगा गवर्नमेंट पे नजर रखने का काम करती है पार्लियामेंट्री कमिटीज एस्पेश दल कमिटीज फाइनेंशियल कमिटीज फाइनेंशियल कमिटीज लाइक द पब्लिक अकाउंट कमिटी फाइनेंशियल कमिटी लाइक कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स फाइनेंशियल कमिटीज लाइक एस्टिमेट्स कमिटी ये तीन कमिटीज वो कमिटीज है जो कि हिसाब रखेगी ध्यान रखेगी कि जो मनी एग्जीक्यूटिव ने ग्रांट करवाया है क्या ये उसी पॉलिसी के अनुसार हुआ है या नहीं है और इस फाइनेंशियल ग्रांट को करने के लिए फाइनेंशियल कमिटीज को जो मदद करेंगे वो करेंगे कैग अंडर आर्टिकल अंडर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हर साल एक एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें सारा लेखा झोंका होगा ऑफ हाउ द मनी वॉज यूटिलाईज इन द फाइनेंशियल ईयर तो इतना इंपॉर्टेंट ऑफिस है दैक दबल द ग्रेटेस्ट डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने बोला था एन आई कोट आई एम ऑफ द ओपिनियन दिस डिग्नेटरी और ऑफिसर यह किसकी बात हो रही है कैक की बात हो रही है इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिज वन मैनज ग एक्सपेंसिस पार्लियमेंट

Because he is helping in financial accountability and checks and balances. may finally, a sa flowchart. So mere flowchart so Okay. Awesome flowchart. And this flowchart will explain the relationship between GAG, between citizens, between Parliament, between मेंट एज कंपेयर टू लेजिस्लेटर्स द पार्लियमेंटरी कमिटीज एंड द एक्टिव आई थिंक दिस व्यूज ह्यूज एडवांटेज टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी एज अब्जेक्ट तो इसको समझने की कोशिश करो वी आर डीलिंग विद मनी तो पहले आराम से इसको समझो मनी को मनी जो एक्चुअली कंसिडर किया डॉलर डालो है तो रुपी लेकिन मैं इससे इंडिकेशन के लिए कर रहा हूं ये जो मनी है दिस इज टू बी डेल्ट विद बाय लेजिस्लेचर क्यों क्यों ऐसा क्यों बिकॉज मनी जो होता है वो सिटीजन का माना जाता है पीपल का माना जाता है और जो लेजिस्लेटर्स होते हैं जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या एम हैं, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल होते इंडिया so में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल केवल लेजिसलेटर्स होते हैं अब ये मनी लेजिस्लेटर्स के कंट्रोल में है प्राइमरीली लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है प्रॉब्लम ये है कि इसको यूटिलाइज करने का काम मनी को यूटिलाइज करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है स्पेंडिंग का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर या फिर बाय द चीफ मिनिस्टर क्या काम होता है डिपेंडिंग ऑन स्टेट है यूनियन तो एग्जीक्यूटिव क्या करेगा एग्जीक्यूटिव को पैसे चाहिए पैसे लेजिस्लेचर के पास है लेकिन लेजिसलेचर एग्जीक्यूटिव को तभी पैसे देगा जब एग्जीक्यूटिव उनको कन्विंस कर लेगा कि लेजिस्लेचर ओ डियर लेजिसलेचर प्लीज हमको पैसे दे दो अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर पॉलिसी हम पॉलिसी बता रहे हम अमाउंट बता रहे हैं टाइप ऑफ पॉलिसी अमाउंट ऑफ मनी यह दोनों ही लेजिस्लेचर एक्सेप्ट करेगा ये बिल्स मनी बिल्स कहलाते हैं जो इंट्रोड्यूस होते हैं लोकसभा में लेकिन राज्यसभा भी उसको पास करता है ऐसे बिल्स को मनी बिल्स बोला जाता है और ये ग्रांट हो जाते हैं एक फॉर्मूला याद रखना नो ग्रांट ऑफ फंडिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी मेड विदाउट ड्यू अप्रोप्रिएशन बाय द लोकसभा सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर यह है कि ग्रांट हो गया अब स्टार्ट होता है दूसरा इशू दूसरा इशू होता है कि डेमोक्रेसी की पूरी बॉटम लाइन होती है एंड दैट इज कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंसेस जब तक चेक्स एंड बैलेंसेस ना हो तब तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपना काम ठीक से फंक्शन इनफैक्ट ठीक से क्या फंक्शन ही नहीं कर सकती तो चेक्स एंड बैलेंसेस इसके बाद की बात है इसमें दो रोल है एक रोल आता है ऑफ द ऑफिस जो डॉक्टर अंबेडकर ने अभी अभी हमें बताया कि यह सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस है और यह एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस है यह आमतौर पर एक आई ए एस ऑफिसर होते हैं और एक आई ए एस ऑफिसर होते हैं और आर्टिकल 148 फोर्टी तो टू आर्टिकल 151 में कैग का ऑफिस डिस्क्राइब किया गया है 148 फोर्टी एट वन में कैक्स आप तब आएंगे इन द पिक्चर जो अब इस ग्रांट का स्पेंडिंग का टाइम पूरा हो चुका हो यानी कि पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका हो कैक का रोल तब आता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन अदर वर्ड्स ये एक्सपोज फैक्टो काम करते हैं एट द द फाइनेंशियल ईयर आर्टिकल 151 के अनुसार कैग साहब एक रिपोर्ट बनाएंगे और वो जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट दी जाएगी टू द प्रेसिडेंट सो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कैग रिपोर्ट होगी वो दी जाएगी टू द प्रेसिडेंट तुम्हें मालूम है मैं ब्लू कलर में क्यों लिख रहा हूं क्योंकि अभी तक दोनों साइड पर एग्जीक्यूटिव ही इन्वॉल्व है साहब इस रिपोर्ट को टेबल करेंगे टू द पार्लियामेंट इन अदर वर्ड्स वो किसको भेज रहे हैं ही विल टेबल इट इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उसको दे देगी टू द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब तो मैं मालूम है मैं ग्रीन कलर क्यों यूज कर रहा हूं क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी में केवल लेजिसलेचर होते हैं और हमारे यहां पर फॉर्मूला है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अगर किसी मिनिस्टर से यह पूछना चाहती है कि भाई मिनिस्टर साहब आपने तो पैसे मांगे थे एक्स पॉलिसी के लिए आपने उसके लिए तो नहीं स्पेंड किया आपने पॉलिसी के लिए एक्स अमाउंट मांगा था आपने उससे ज्यादा स्पेंड किया यह जवाब मिनिस्टर्स को देना पड़ेगा हेंस कैग रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यूटिलाइज करती है टू आस्क क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव अदर वर्ड्स कैग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस एंड सिमिलरली पैक इज फॉर ऑल्सो चेक एंड बैलेंसेस ये इतना जरूरी है कि इसके बिना ये फंक्शन हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हो ही नहीं सकता सो so, अगर अब मैं ये पूरी लाइन पढ़ू और पूरी की पूरी न्यूज पढ़ू तो तुमको सब समझ में आने लग जाएगा वन आफ्टर अनदर और ये एस्पेक्ट क्लरिफाई में हो जाएगा President Nath Kovind today said parliamentary committees, especially the Public Accounts Committee, ensure administrative accountability to the executive towards the legislature. Without them, parliamentary democracy would be incomplete. Okay? inaugurating the two day centennial year celebration of PAC, he said it is through the PAC that citizens keep a check on the government finances. In a democracy, he said, Parliament is the embodiment of the people's will and parliamentary committees work as its extension, emphasizing that accountability is central to governance in parliamentary democracy. The president said that since it is the parliament that grants permission to the executive to raise and spend funds. It has the duty to assess if funds were raised and spent accordingly or not. Doctrine of checks and balances. So, what does actually PAC do? What does actually Public Accounts Committee do? According to the Lok Sabha website, the PAC's mandate is to examine. द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग द अप्रोप्रिएशन ऑफ सम्स ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट फॉर द एक्सपेंडिचर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब कुछ कनेक्ट हो रहा है या नहीं लुक एट दर्ड एक एक वर्ड को समझो मैंने क्या बोला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जिम्मेदारी यह है कि वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को चेक करें जिसमें कि ये दिखाया गया है कि कितना पैसा के पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोप्रिएट किया है फॉर देयर एक्सपेंडिचर एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट और ऐसे सब अकाउंट्स जो कि हाउस ने उसके सामने रखे हुए हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हेयर इस पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल एज अ फाइनेंशियल कमिटी टू कीप एन आई ऑन द गवर्मेंट तो अगर मैं अपने नोट इसके साथ एड करना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा का ये है, मैंने अभी बताया था आर्टिकल वन फिफ्टी कॉन्स्टिट्यूशन में कैग एक एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे वो प्रेजिडेंट साहब को देंगे प्रेजिडेंट साहब उसको पार्लियामेंट के पास देंगे इट इज इन अ वे बोला जाता है दैट द कैग ये लाइन लिख लेना बहुत काम आएगी एक्ट एज द फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड टू द पैक मैं फिर बोला हूं कैग एक्ट्स एज द फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड टू द पैक इसको कहते हैं कनेक्शन एक छोटी सी न्यूज से एक छोटी सी न्यूज से कितने सारे एस्पेक्ट्स निकाले जा सकते हैं आई थिंक दिस इज अज एग्जाम्पल ऑफ दिस वन स्मॉल बिट ऑफ न्यूज इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर यह है कि अगर मैं फाइनेंशियल कमिटीज की बात करूं और मैं पब्लिक अकाउंट्स फाइनेंशियल कमेटी की बात करूं तो मुझे एक बड़ा ही सरप्राइजिंग एलिमेंट दिखा सरप्राइजिंग एलिमेंट यह देखा कि इसके जो चेयरपर्सन है जो इस केस में आज के डेट में श्री अधीर रंजन चौधरी हैं श्री अधीर रंजन चौधरी रूलिंग पार्टी के नहीं है रूलिंग yes, पार्टी तो ऐसा क्यों किया गया इन ऑर्डर टू एंश्योर डॉक्टर ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन एंश्योरिंग कि कोई भी बायस्ड डिसीजन ना हो ओके okay? 1967 से एक कन्वेंशन चला आ रहा है कन्वेंशन यह चला रहा है कि हमेशा चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स विल ऑलवेज़ बी अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन ऑलवेज बी अ मेंबर ऑफ ऑपोजिशन से यह होगा कि जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्वेश्चन पूछेगी तो वो एक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछेगी ताकि एग्जीक्यूटिव अपना जवाब पूरी ईमानदारी से और पूरी तरह दे द फाइनेंशियल कमेटी का काम होता है नॉन पाकिस्तान फंक्शनिंग करना लेकिन फिर भी टू इंश्योर इवन मोर अकाउंटेबिलिटी इवन मोर ट्रांसपेरेंसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हमेशा चेयरमैन रूलिंग पार्टी में से ही लेना होता है सो so, अब आप लोगों को पता चल गया कि ये एक छोटी सी न्यूज राइट सेंटेनियल ईयर सेलिब्रेशन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखा जाए तो तुम्हारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के कितने सारे क्वेश्चंस का सोर्स हो सकता है और कितने सारे आंसर्स का सोर्स हो सकता है इसी को मैं बोलता हूं 24 फोर कैरेट रॉक सॉलिड छोटा सा पॉइंट लेकिन गो इन द डिटेल्स ऑफ इट इफ यू वॉन्ट मोर एडवांटेज और इसी तरह से इन फार मोर डिटेल यू वॉन्ट स्टडी विद Please join me on my plus classes. I'll be very, very happy to teach you and make sure that you take the opportunity of this entire subscription of An Academy or up to Bill Koli mat karna because Republic Day special offer chal hai. you will get a six month free extension worth rupees 45,000 with every one year and above plus GSN combo subscription. Yeah, offer 25th to 27th January available. Hai. Use the code SEDLIVE SIDLIVE. And join this now. I'll be very, very happy to teach you. And you're a wise gang of students. Take a wise decision now. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you, and Jai hin.